दोस्तों अभी अभी भारत सरकार ने मेरा राशन 2.0 ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब आप इसी ऐप के जरिए राशन कार्ड की सभी सर्विसेज पर घर बैठे ही काम कर सकते हैं, यानी कि राशन कार्ड में अपडेट करना हुआ, जैसे कि नए फैमिली मेंबर्स का नाम जोड़ना हुआ, तो ये सारा काम जो है ये आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ये जो ऐप लॉन्च किया गया है मेरा राशन 2.0 इसके जरिए दोस्तों आप कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इसी ऐप के बारे में बताऊंगा, मेरा राशन 2.0 जो ऐप आया हुआ है, ठीक है, कि इसे कैसे यूज करना, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सारी चीजें। तो उसके लिए सबको आपको लाइक करना है एंड कंटिन्यू गाइस इस सबको को देखते रहना है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। मेरा राशन 2.0 नाम का यह जो ऐप है इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। अगर पहले से डाउनलोड था तो यहां पर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसे अपडेट करना है। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है, परमिशन को यहां पर अलाउ कर देना है। इसका पूरा जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं बदल चुका है। अब यहां पर आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए राशन कार्ड लिखा हुआ आएगा, आप यहां से अपने राशन कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, फैमिली डिटेल को मैनेज कर सकते हैं, राशन कार्ड की सारी चीजें मतलब चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने लॉग इन पेज आएगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे तो दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक है बेनिफिशियरी यूजर और एक है डिपार्टमेंट यूजर। तो आपको डिपार्टमेंट यूजर पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि आपके पास आईडी पासवर्ड तो होगा नहीं, हम तो जो है बेनिफिशियरी यूजर हैं। तो आपको यहां पर इसे बेनिफिशियरी पर सेलेक्ट रखना है। यहां पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, ठीक है। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, ये जो कैप्चा कोड है इसे यहां पर टाइप करना है, लॉग इन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो वह ओटीपी को आपको यहां पर टाइप कर देना है, उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आएगा, तो आप इसे जो है ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद अब आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना है। अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्रिएट एम पिन के लिए बोला जा रहा है, तो अब आप यहां पर एम पिन क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हम क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहां पर जो भी आप एम पिन रखना चाहते हैं, ठीक है, उसे आप यहां पर टाइप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। दोबारा से दोस्तों यहां पर आपको अपना एम पिन टाइप करना है, जिसे भी दोस्तों आपने टाइप किया था, ठीक है, दोबारा से सेम और क्रिएट एम पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका एम पिन क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इसे ओके कर देना है। उसके बाद जो सभी परमिशन है उसे आपको यहां पर अलाउ कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आप इस ऐप के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। अब लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक नहीं कई सारे सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक सर्विस के बारे में अच्छे से समझा देता हूं। यहां पर दोस्तों जो सबसे पहला सर्विस दिया हुआ है वो है मैनेज फैमिली डिटेल। अब इसके ऊपर क्लिक करके आपके राशन कार्ड में जितने भी मेंबर्स हैं सबके डिटेल को आप मैनेज कर सकते हैं। यहां तक कि दोस्तों इसी नए सर्विस से आप अपने राशन कार्ड में नए मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि जो सारा काम है दोस्तों वो आप घर बैठे कर सकते हैं इस वाले नए ऑप्शन से, मैनेज फैमिली डिटेल से, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों यहां पर ये जो दूसरा ऑप्शन दिया है ये है राशन इंटाइटलमेंट, यानी कि दोस्तों आप यहां से राशन कार्ड में देख सकते हैं कि आपको कितने क्वांटिटी में गेहूं मिल रहा है, कितने क्वांटिटी में चावल मिल रहा है, इसके अलावा क्या क्या आपको राशन में मिलेगा, वो सारी जो डिटेल है दोस्तों वो आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आते हैं तो दिया है ट्रैक माय राशन। अगर आप अपने राशन कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाए हैं, जैसे कि नए फैमिली मेंबर्स का नाम ऐड किए हैं, तो उसको दोस्तों आप ट्रैक कर सकते हैं कि वो अपडेट हो गया या फिर पेंडिंग में है या रिजेक्ट हो गया, ठीक है। वो सारी चीजें दोस्तों आप यहां से जो है ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है माय ग्रीवेंस, यानी कि आप यहां से दोस्तों अगर राशन कार्ड में कोई भी शिकायत किए हैं, कोई भी कंप्लेंट किए हैं, उस पर दोस्तों क्या अपडेट आया है, वो सब दोस्तों यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है। यहां तक कि यहीं से आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहां पर सेल रिसिप्ट आता है, जो सेल रिसिप्ट है उसे आप यहां पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो अगला सर्विस दिया हुआ है यह है दोस्तों बेनिफिट रिसिप्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट मिला है उसे दोस्तों आप यहां से जो है चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जो जो आपको बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट से उसे दोस्तों आप यहां से जो है चेक कर सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों आपके नियर बाय जो FPS शॉप है उनका पूरा का पूरा लिस्ट आ जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये प्राइवेसी रीजन की वजह से दिखा नहीं सकता, तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से राशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दिया है सरेंडर, अगर आप अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आता है राशन कार्ड ट्रांसफ़र, अगर आप अपने राशन कार्ड को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सर्विस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, समझ गए। और यहाँ पर दोस्तों ऊपर ही आपका पूरा एक राशन कार्ड का जो है पूरा का पूरा फोटो के साथ जो है यहाँ पर शो होता है, लेकिन अभी ये जो है एरर की वजह से शो नहीं हो रहा है, समझ गए। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर सर्विस दिया है, अगर आप ये तीन लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको कई सारे सर्विस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सरेंडर राशन कार्ड, RC ट्रांसफर, ट्रैक माय राशन, मतलब वो सारे जो ऑप्शन मैंने आपको दिखाए वो सभी ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज फैमिली डिटेल, इस पर क्लिक करके आप नए मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप नए मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो मैनेज माय फैमिली डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहां पर कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा ऐड न्यू मेंबर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। ये टोटल दोस्तों आपको 9 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा नए मेंबर को ऐड करने के लिए। आप देख सकते हैं ऐड फैमिली मेंबर, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले तो आपको अपना पूरा जो पर्सनल डिटेल है उसे यहां पर पूरा का पूरा फिलअप करना पड़ेगा, जैसा कि आप ये पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने दूसरा स्टेप ओपन होगा, उसमें आपको डिटेल फिलअप करके नेक्स्ट करना पड़ेगा, फिर तीसरा ऑप्शन जो है खुलेगा। ऐसे दोस्तों आपको करके यहां पर नए फैमिली मेंबर को ऐड करना है, ठीक है। इस पर मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो कि यहां पर कैसे नए फैमिली मेंबर को ऐड करना है, ठीक है। पूरा जो 9 स्टेप है ये मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसकी आपको चिंता नहीं करना है। यहां पर अभी मैं फिलहाल इस ऐप का आपको रिव्यू दे रहा हूं कि इस ऐप के अंदर क्या क्या नया आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों नया नया फीचर जो है ऐड हुआ है। अभी इसमें कई ऐसे सर्विसेज हैं जो सही से वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नया ऐप अभी लॉन्च हुआ है, बहुत ज्यादा इस पर ट्रैफिक आ रहा है, तो थोड़ा सा लोड भी नहीं हो रहा है, कई बार लॉग इन भी नहीं हो रहा है, ठीक है, कई बार OTP भी नहीं जा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें अभी आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी काफी बार ट्राई किया तब जाके इसमें लॉग इन कर पाया हूं, ठीक है। तो आपको भी ट्राई करना है, जल्दी ट्राई करते रहोगे तो ये लॉग इन हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।